नेक्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5. गर्वी कॉटन लिमिटेड इश्यू 6,010% डिबेंचर ऑफ ₹500 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 40%. विच द अमाउंट पर डिबेंचर वॉज पेबल एज अंडर. 6,000 डिबेंचर इश्यू किए हैं, डिबेंचर पे इंटरेस्ट 10% है, मीन्स इसे कहेंगे 10% डिबेंचर. 500 एक डिबेंचर की प्राइस है. 6,000 डिबेंचर इशू किए हैं, 500 एक की प्राइस है, 40% प्रीमियम. 500 पे 40% प्रीमियम है, तो कितना प्रीमियम होगा कैलकुलेट करो. 500 इंटू 40% ₹200 प्रीमियम है. ये 500 को और 200 को इस तरीके से मंगाया है. एप्लीकेशन के साथ 200 मंगाया है, अलॉटमेंट के साथ 300. 300 के अंदर प्रीमियम इंक्लूडेड है. ओके, प्रीमियम है ₹200. तो देखो, ये जो अलॉटमेंट का 300 है, ये 300 में से 200 तो प्रीमियम है, तो बाकी का जो 100 है ना, वो एक्चुअल अलॉटमेंट का पैसा है. बाकी का 200 क्या है? प्रीमियम है. प्रीमियम कौन से एंट्री के साथ आता है? प्रीमियम आता है ट्रांसफर वाली एंट्री के साथ. फाइनल कॉल के साथ 200 है. एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर अ टोटल ऑफ 9,000 डिबेंचर. 6,000 इशू करना चाहते थे, 9,000 एप्लीकेशंस आ गए हैं. फ्रॉम दिस एक्सेस एप्लीकेशन वर रिजेक्टेड एंड रिफंडेड द मनी रिसीव्ड देयर ऑन. All the amount due on allotment and call were duly received. Pass journal entry in the book of company. क्या बोल रही है नीचे वाला पैराग्राफ? 9,000 applications आए हैं, जो excess application है उसको reject करना है और पैसे refund करना है. सब calls जितने भी पैसे मंगाए हैं, सब पैसे आ चुके हैं और journal entry pass करने बोले हैं. तो बहुत इजी सम है, हम पास कर लेते हैं. ओके, सिर्फ अलॉटमेंट के टाइम पे प्रीमियम दिया है और हमें पता है प्रीमियम आता है ट्रांसफर वाली एंट्री के साथ. फॉर्मेट बनाते हैं और जर्नल एंट्री पास करते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 का जर्नल एंट्री का फॉर्मेट प्रिपेयर हो गया है. अभी हमें एंट्रीज पास करनी है. पहली एंट्री होती है, वो होती है एप्लीकेशन की एंट्री. एप्लीकेशन के टाइम पे पैसे आते हैं. बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट. कितने एप्लीकेशंस आए हैं? 9,000 एप्लीकेशंस आए हैं. एप्लीकेशन का प्राइस दिया है 200. 9,000 इंटू 200 अमाउंट कितना आएगा? 18 लाख. 18 लाख क्लियर है. सेकेंड एंट्री होती है ट्रांसफर वाली, ये हो जाएगा डेबिट में. 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू कहाँ पे ट्रांसफर कर रहे हैं? 10% डिबेंचर अकाउंट. ज्यादा एप्लीकेशंस आए हैं, रिजेक्ट भी करना है, तो बैंक गिवर भी होगी, तो टू बैंक अकाउंट. एप्लीकेशंस कितना आए हैं? तो देखो, 9,000 इंटू 200 एप्लीकेशंस आए हैं 18 लाख. एक्चुअली कितने इश्यू करना चाह रही थी? उतने ही ट्रांसफर हो गए. तो एक्चुअली में इश्यू करना चाह रही थी कंपनी 6,000 शेयर इश्यू करना चाह रही है. ओके, तो जो 6,000 शेयर ही ट्रांसफर हो गए, 6,000 इंटू 200 इश्यू करना चाहती है 6,000. एप्लीकेशंस आए हैं 9,000 के. कितने ज्यादा आए हैं? 3,000 ज्यादा गए, तो बैंक वापस रिटर्न करेगी 3,000 इंटू 200. क्लियर हुआ? एप्लीकेशंस आए हैं इतने, कैपिटल में ट्रांसफर होगा इतना, रिजेक्ट करेगी इतना. ओके, तो करो 6,000 इंटू 200, 12
लैक। रिजेक्ट कितने हो गए, 3000 × 200, तो यहाँ पे आएगा 6 लाख। क्या हमने एप्लीकेशन की दोनों एंट्री पास कर लिए हैं, अभी हमें करना है अलॉटमेंट। अलॉटमेंट के टाइम पे प्रीमियम है, प्रीमियम आता है ट्रांसफर वाली एंट्री के साथ। ओके, प्रीमियम मींस एक्स्ट्रा पैसे आ जाना, तो प्रीमियम का क्रेडिट बैलेंस होता है 10% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट सिक्योरिटी प्रीमियम भी है, तो यहाँ पे लिखेंगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। इसका कैलकुलेशन देख लेते हैं। एक्सेस एप्लीकेशन तो हमने रिजेक्ट कर लिए है, अभी जितने इश्यू करना चाह रहे थे उतने ही शेयर्स है। इसका कैलकुलेशन हम यहाँ पे कर लेते हैं। 6000 इशू किए, 6000 डिबेंचर इशू किए हैं, अलॉटमेंट के सामने टोटल अमाउंट दिया है 300, तो 6000 × 300 अलॉटमेंट के सामने कितना पैसा आएगा, 18 लाख। ट्रांसफर कितना करेंगे, तो 6000 × 300 में से 200 तो प्रीमियम है, 300 में से 200 तो प्रीमियम है, तो अलॉटमेंट का एक्चुअल पैसा 100 है। अलॉटमेंट का एक्चुअल रुपीस कितना है, 100 है, 300 टोटल अलॉटमेंट के साथ आ रहा है। हमने किया था ना क्वेश्चन के टाइम पे, 300 अलॉटमेंट के साथ आ रहा है, उसमें से 200 तो क्या है, प्रीमियम है, और बाकी का जो 100 है वो एक्चुअली अलॉटमेंट का रुपीज है, मतलब जो 100 है वो कैपिटल में जाएगा। क्लियर हुआ? तो देखो 10% डिबेंचर अकाउंट, डिबेंचर में कितना जाएगा, 6000 × 100, कितना होता है 6000 × 100, 6 लाख, इतना जाएगा डिबेंचर में, क्योंकि 300 में से 200 तो प्रीमियम है, तो 100 ही है जो ट्रांसफर होने वाला है। ओके, वापस प्रीमियम कितना है, 6000 × 200, तो आएगा 12 लाख। डन। ट्रांसफर वाली एंट्री के बाद होती है बैंक वाली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू 10%, किसकी वजह से पैसा आ रहा है, अलॉटमेंट, 10% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट के सामने कितना पैसा दिया है, 18 लाख, तो हम लिखेंगे 18 लाख बैंक रिसीव करने वाली है, टोटल लिखेंगे, है ना, डिबेंचर का इतना, प्रीमियम का इतना, अलॉटमेंट के साथ कितना रिसीव करने वाली है बैंक, 18 लाख, बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, 18 लाख। फिफ्थ होता है कॉल वाली एंट्री, कौन सा कॉल दिया है, फाइनल कॉल दिया है। फाइनल कॉल के टाइम पे भी जो पहली एंट्री होती है वो होती है ट्रांसफर वाली, 10% डिबेंचर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट, कितने डिबेंचर्स है, 6000 डिबेंचर है, और फाइनल कॉल के साथ कोई भी प्रीमियम ये सब नहीं दिया है, फाइनल कॉल के साथ 200 रुपीज दिया है, तो 6000 × 200, 12 लाख। डन। फाइनल कॉल के ट्रांसफर वाली एंट्री के बाद आती है बैंक वाली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर 10% डिबेंचर, पूरा लिखना है, ओके, टू 10% डिबेंचर फाइनल कॉल अकाउंट, 12 लाख। लास्ट में क्या कर देना है, टोटल कर देना है। हर एक चीज की दो एंट्री होती है, एप्लीकेशन की दो एंट्री पास की है, अलॉटमेंट की दो एंट्री पास की है, फाइनल कॉल की दो एंट्री पास की है। ये सब में क्या था, एक प्रीमियम था,
प्रीमियम आता है ट्रांसफर वाली एंट्री के साथ। आप लोगों को क्लियर हुआ ना, अलॉटमेंट के सामने 300 दिया था, उसमें से 200 प्रीमियम है, तो 200 प्रीमियम में जाएगा, मतलब 6000 इंटू 200। और जो 100 है वो अलॉटमेंट का एक्चुअल रुपीज था, तो वो ट्रांसफर होगा डिबेंचर के अंदर, यहाँ पे क्या 6000 इंटू 100। क्लियर है? आप लोगों को हर एंट्री के बाद में नरेशन लिखना है। अगर कोई एंट्री समझ में नहीं आई होगी तो आप लोग पूछ लेना। नेक्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6। पासवदाल स्टील लिमिटेड इश्यूड 15,000 9% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट अ प्राइस ऑफ 80 पर डिबेंचर। द अमाउंट पर डिबेंचर वॉज पेबल एज अंडर 25 विथ एप्लीकेशन, 35 ऑन अलॉटमेंट आफ्टर डिस्काउंट, 20 ऑन कॉल। क्या बोल रहा है यहाँ तक क्वेश्चन? 15,000 डिबेंचर इश्यूड किए हैं, डिबेंचर पे 9% इंटरेस्ट है, मीन्स हम बोलेंगे 9% डिबेंचर। एक डिबेंचर का प्राइस है 100 रुपीज। पर ये जो डिबेंचर है उस पे 80 रुपीज मंगा रहे। देखो डिबेंचर का, एक डिबेंचर का प्राइस है 100 रुपीज पर 80 रुपीज ही मंगा रहे, मीन्स 20 रुपीज क्या हुआ? डिस्काउंट हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? डिस्काउंट वाला क्वेश्चन है। 15,000 डिबेंचर इश्यू किए हैं, एक डिबेंचर का प्राइस 100 रुपीज है, पर कंपनी एक डिबेंचर पे 80 रुपीज ही मंगा रही है, मीन्स 20 क्या हो गया? डिस्काउंट हो गया। और डिस्काउंट किस पे है? अलॉटमेंट पे है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? ये जो 35 रुपीज दिया है वो अलॉटमेंट का है, बराबर, पर ये 35 रुपीज में डिस्काउंट इंक्लूडेड नहीं है। आफ्टर डिस्काउंट मतलब ये 35 रुपीज में डिस्काउंट इंक्लूडेड नहीं है, अलॉटमेंट का 35 है और 20 रुपीज है वो डिस्काउंट, इसमें इंक्लूडेड नहीं है, पर अलॉटमेंट के साथ डिस्काउंट है, 20 कॉल्स के साथ है। कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 15,000 डिबेंचर एंड ऑल आर सैंक्शंड। द कंपनी रिसीव द फुल मनी कॉल्ड ऑन अलॉटमेंट एंड रिसीव फुल अमाउंट ऑन कॉल्स, एक्सेप्ट कॉल ऑन 800 डिबेंचर, पास जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ कंपनी। एप्लीकेशन 15,000 के ही आए, 15,000 इश्यूड करना है और 15,000 एप्लीकेशन ही आए, मतलब कुछ भी रिजेक्ट नहीं करना है, सब पैसे टाइम टू टाइम आ गए हैं, एक्सेप्ट 800 कॉल्स के टाइम पे 800 डिबेंचर्स के पैसे नहीं आए हैं। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, हम इसे भी सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन में एक ही चीज अलग है जो है डिस्काउंट। यहाँ पे बोल रहे आफ्टर डिस्काउंट, मतलब ये 35 रुपीज में डिस्काउंट इंक्लूडेड नहीं है। देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एक डिबेंचर की प्राइस 100 रुपीज है, पर कंपनी एक डिबेंचर पे 80 रुपीज ही मंगा रही है। 100 का डिबेंचर है पर कंपनी 80 रुपीज ही मंगा रही है, मीन्स 20 क्या हो गया? डिस्काउंट हो गया। 25 प्लस 35 प्लस 20 कितना होता है? 80 होता है, क्योंकि ये 35 के अंदर डिस्काउंट का 20 इंक्लूडेड नहीं है। अभी हम सम सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को ये चीज और क्लियर हो जाएगी, ये क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 का फॉर्मेट प्रिपेयर कर लिया है। जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ पासवदाल स्टील लिमिटेड, डेट पर्टिकुलर, LF डेबिट क्रेडिट। फर्स्ट होती है एप्लीकेशन की एंट्री, एप्लीकेशन के साथ आते हैं पैसे, बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने एप्लीकेशंस आए हैं? 15,000 एप्लीकेशन आए हैं, 15,000 और एप्लीकेशन के साथ कितना रुपीज दिया? 25, 15,000 इंटू 25, 3,75,000, 3,75,000। सेकेंड होता है इसको ट्रांसफर करने का, तो डिबेंचर पूरा नाम लिखेंगे, 8% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू
9% डिबेंचर अकाउंट। एक्सेस एप्लीकेशन नहीं आया तो कुछ भी रिजेक्ट नहीं करना है, यही एंट्री होगी। अगर एक्सेस एप्लीकेशन आता तो टू बैंक लिखता है। सेम 15,000 एप्लीकेशंस आए हैं, 25 प्राइस है, तो 3,75,000। थर्ड होता है अलॉटमेंट की एंट्री। अलॉटमेंट की पहली एंट्री होती है ट्रांसफर वाली। 9% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट लॉस होता है। जितने अमाउंट मिलने वाले थे कंपनी को, अब उतने नहीं मिलने वाले। कंपनी को 100 मिलने वाले थे, उस पर 20 डिस्काउंट, मतलब 20 नहीं मिलेगा तो लॉस होता है, तो डिस्काउंट का बैलेंस डेबिट होता है। डिबेंचर डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे? 9% डिबेंचर अकाउंट। ओके, अलॉटमेंट के साइड कितना अमाउंट आएगा? तो 15,000 शेयर इशू किए हैं, अलॉटमेंट का पूरा लिखेंगे 35। ये 35 कहाँ से है आप लोग पूछोगे, है ना? तो देखो 15,000 पे अगर 20 डिस्काउंट है तो डिबेंचर कितने का हुआ? 15,000 इंटू डिबेंचर कितने का हुआ? 55। क्लियर हुआ? डिबेंचर अलॉटमेंट के टाइम पे कितना आने वाला है? 35 आने वाला है। डिस्काउंट है 20। एक्चुअली डिबेंचर पे कितना मिलना चाहिए था? 55 मिलना चाहिए था। डिबेंचर पे 55 मिलना चाहिए था, मतलब यहाँ पे अमाउंट आएगा 8,25,000 मिलना चाहिए था, पर 20 डिस्काउंट है, मतलब 3,00,000 डिस्काउंट है। ओके, 3,00,000 डिस्काउंट है, इतना मिलने वाला था, इतना डिस्काउंट है, तो अलॉटमेंट पे कितना मिलने वाला है? 5,25,000। एक और बार एक्सप्लेन करती हूँ। ये है ट्रांसफर वाली एंट्री। 9% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिबेंचर डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट। अगर इसके अमाउंट में डाउट होगा तो आप लोग पूछ लेना। फोर्थ, ट्रांसफर वाली एंट्री के बाद में आती है बैंक वाली एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट के साथ कितना आने वाला है? 35। तो 15,000 इंटू 35, अलॉटमेंट के सामने कितना आने वाला है? 35। 15,000 इंटू 35 कितना आएगा? 5,25,000। 5,25,000। अलॉटमेंट की दोनों एंट्री हो गई। देखो, एप्लीकेशन की दो एंट्री हो गई, अलॉटमेंट की दो एंट्री हो गई। उसके बाद आती है कॉल की एंट्री। कॉल के टाइम पे पहली एंट्री होती है ट्रांसफर वाली एंट्री। 9% डिबेंचर कॉल अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट। कॉल के टाइम पे अरियर है, पर अरियर हम लोग बैंक वाली एंट्री के साथ लिखते हैं। यहाँ पे सेम होगा, 15,000 इंटू कॉल के साथ कितना अमाउंट दिया है? 20। 15,000 इंटू 20, 3,00,000। उसके बाद बैंक वाली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन अरियर ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट। कॉल्स इन अरियर ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर कॉल अकाउंट। कितना आने वाला था कॉल के टाइम पे? 3,00,000 आने वाला था, पर 8,000 डिबेंचर होल्डर फाइनल कॉल है ना, 800 के डिबेंचर होल्डर पैसे नहीं दे रहे, कॉल के पैसे नहीं दे रहे, और कॉल के सामने 20 दिया है, तो 800 इंटू 20 मतलब 16,000 नहीं मिल रहा है। इतने मिलने वाले थे, इतने नहीं मिल रहे, तो कितने मिलेंगे? 2,84,000 मिलेंगे। क्लियर है? बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन अरियर ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 9%
डिबेंचर कॉल अकाउंट, यहाँ पे लिखना है टोटल। अगर कहा बे कुछ भी अमाउंट नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग पूछ लेना। एप्लीकेशन की दो एंट्रीज हो गई, अलॉटमेंट की दो एंट्रीज हो गई और कॉल्स की दो एंट्रीज हो गई। अलॉटमेंट के टाइम पे डिस्काउंट था, डिस्काउंट और प्रीमियम ट्रांसफर वाली एंट्री के साथ आता है। डिस्काउंट एक्सपेंस हो जाता है इसलिए डेबिट, प्रीमियम इनकम होता है इसलिए क्रेडिट। अरियर बैंक वाली एंट्री के साथ आता है, अरियर मतलब पैसा मंगाया हुआ नहीं आया तो वो एक्सपेंस काउंट होता है, हम लोग उसको डेबिट में लिखते हैं। क्लियर है?